नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। कर्नाटक में मैसूर जिले के कोकुलू गांव से एक इमोशनल कर देने वाली खबर सामने आई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते कर्नाटक में लॉकडाउन लगाया गया है। परिवहन सुविधा न होने के चलते एक पिता ने अपने 10 साल के बेटे की जान बचाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय किया है। इसमें उनको 3 दिन का समय लगा। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई, हर कोई आनंद की हिम्मत को सलाम करने लगा। 45 साल का आनंद एक गरीब मजदूर है। उसके बेटे का पिछले 10 सालों से बेंगलुरु के निमहंस अस्पताल में इलाज चल रहा था। आनंद 2 महीनों में एक बार निमहंस में बच्चों की दवाइयां लेने जाता था। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, इसलिए उसे इतना लंबा सफर साइकिल से तय करना पड़ा। कोपलू गांव के रहने वाले आनंद साइकिल से 23 मई को निकले थे और 26 मई को दवाओं के साथ वापस लौटे। डॉक्टर्स ने आनंद से कहा था कि बच्चे के 18 साल से पहले अगर दवाएं बंद कर दी गई तो मिर्गी के दौरे पड़ने की आशंका ज्यादा होती। जब डॉक्टर्स को उसके इतनी दूर साइकिल से आने की बात पता चली तो उन्होंने उसे 1,000 रुपए भी दिए। आनंद के बेटे के अलावा उसकी एक बेटी भी है। आनंद ने बताया कि लगातार साइकिल चलाने के बाद अब उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा था। उसने डॉक्टर से इसकी दवाई ली और वो पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर बेटे के लिए दवा लाने के लिए आनंद की हर कोई तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर उनके जज्बे और हिम्मत की तारीफ हो रही है। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ स्थानीय नेता भी मौके पर चौका लगाने से नहीं चूक रहे। कर्नाटक के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कोपलू गांव आनंद से मिलने पहुंचे और उन्होंने कुछ दवाएं और राशन दिया। जब इन नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई इन नेताओं को खरी खोटी सुनाने। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।